मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में वन्य जीव बोर्ड की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें मंत्री सुबोध उनियाल समेत विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वन्य जीवों को संरक्षित करते हुए इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, मानव वन्य जीव संघर्ष को किस तरह से रोका जा सकता है, पहाड़ों में खेती को नुकसान पहुंचा रहे जंगली सुअरों को रोकने के लिए मिशन लोमड़ी की शुरुआत की जाएगी। करके जो बैठक में है एक बात ये लगाया था कि इकोलॉजी भी बचाएंगे और इकोनॉमी को भी बचाएंगे, किस तरह से वन विभाग से ये वाइल्ड लाइफ के माध्यम से इसको कंजर्व भी किया जाए और किस तरह से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी किया जाए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी थे और साथ साथ एक मिशन लोमड़ी जिससे कि सुअरों की संख्या को कम किया जा सके उसको भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। साथ ही वन विभाग के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम को इस समय बंदरों के इंस्टॉलेशन के लिए किया जा रहा है। 50,000 का लक्ष्य इस वर्ष का रखा गया था